First of all, thank you everyone for being present here, and wish you a very happy new year. This is Harsh Baba. मैं actually रतलाम से हूँ. मतलब जैसे बहुत सबके लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है, मेरी लाइफ में नहीं थी. बहुत बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिंपल लाइफ निकली है मेरी. स्कूलिंग मेरी अच्छी थी, पढ़ने में भी अच्छा था, मतलब हूँ थोड़ा अभी भी. मतलब 10th में 89 थे, 12th में भी 89 थे. और हाँ, मतलब जैसे सबकी लाइफ में कुछ स्टार्टिंग में कुछ एम नहीं रहता है कि मतलब करना क्या. मेरा भी ऐसा ही था. सबको इंजीनियरिंग करनी थी, मैं भी इंजीनियरिंग के पीछे जेई दे दी. हाँ, जेई में भी नहीं हुआ. फिर सोचा क्या करें क्या करें क्या करें. खोला गूगल, सोचा कि बीएससी करते हैं, चलो इंजीनियरिंग नहीं करी तो बीएससी करते हैं. कुछ ना कुछ टेक्निकल में ही करना था. मतलब बचपन से कंप्यूटर में गेम वगैरह करें तो फिर मतलब कंप्यूटर छोड़ना नहीं था बस. तो फिर सोचा बीएससी करते हैं. तो सबसे पहले कॉलेज आया, एक्सेलेंस कॉलेज, एमपी में टॉप कॉलेज. तो फिर सोचा कि चलो अब एक्सेलेंस है, अब परसेंटेज अच्छे, 10th में भी अच्छे, 12th में भी अच्छे, तो एक्सेलेंस ज्वाइन कर लिया. फर्स्ट ईयर शांति से निकल गया. ओके, फिर सेकेंड ईयर हो गया. फिर सोचा कि चलो अब क्या करेंगे यार, बीएससी, अब तो कॉलेज की सच्चाई भी पता पड़ गई कि क्या क्या होता है. फिर सोचा कि ये थोड़े बहुत मेरे फ्रेंड्स थे, ये इन्होंने सोच रखा था कि एमसीए करना है, तो ये इम्पिटस में आ रहे थे. फिर मैंने सोचा कि यार एमबीए करता हूँ, उसमें ज़्यादा पैसा है, एमसीए में थोड़ा कम पैसा है. फिर मैंने सोचा कि आप कोई एमबीए वाला, मतलब जितने मेरे ख़ानदान में एमबीए वाले थे सब, मतलब एमबीए कर लिया फिर सब बैंक में लग गए. मैंने सोचा नहीं, एमबीए तो नहीं नहीं नहीं. फिर सोचा कोई एमसीए वाला ढूंढता हूँ. फिर मेरी दीदी का एक फ्रेंड था, वो भी एक्चुअली इम्पिटस में ही था, तो वो अभी ऑस्ट्रेलिया में ओरिकल में काम कर रहे हैं. तो उनसे बात करी मैंने. फिर उन्होंने बोला कि हाँ सही है, एमसीए कर लो, इम्पिटस वगैरह, शरद सर वगैरह मिलेंगे. उन्होंने भी इनसे ही पढ़ा था. फिर उनसे ऐसी बातचीत हो रही थी, तो एक बार शरद सर की फ़ोटो मैंने उनको भेजी. तो बस ऐसे बहुत शांति से मेरी लाइफ गुजरी है. अब होप तो यही है कि अभी भी अच्छे से ही निकलेगी. और 2019 के लिए यही रहेगा कि जो निमसेट है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है. कोई सा अच्छा सा एनआईटी मिल जाए तो वो और ज़्यादा अच्छा है. और हाँ, एक 2019 में, एक नहीं 2018 में, मतलब पहले मेरा फर्स्ट 12th में बहुत मोटा था, बहुत ही ज़्यादा. अभी भी हूँ पर अभी कम हूँ. मतलब बहुत ही ख़तरनाक वाला मोटा था. फिर 2018 में सही हुआ, फिर थोड़ा ट्रैक पे आया, फिर शरद सर को मैंने रोल मॉडल बनाया अपना. तो बस शरद सर की बातें अब फॉलो करनी है और अच्छे से निमसट निकालना है. और बस एक ही मतलब वो है ख्वाब कि 2019 में वापस आके, वापस मतलब सबको इसी इसी स्टेज पे शरद सर के साथ खड़े होके सबको एड्रेस करना है.